गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे इज योर जीके क्लास। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 8। द नेम ऑफ द चैप्टर 8 इज लीव्स, पत्तियाँ। आइडेंटिफाई द ट्रीज प्लांट्स बाय देयर लीव्स। यहाँ पर कुछ पत्तियों की पिक्चर दी हुई है, उनको आइडेंटिफाई करके, उनको पहचान करके आपको यहाँ पर उसी, मतलब किस पेड़ की पत्ती है या किस पौधे की पत्ती है उसका नाम आपको बताना है। नीचे आपको हेल्पिंग बॉक्स दिया हुआ है, बट मैंने यहाँ पर इनके नीचे आपको नेम्स लिख दिए हैं। नाउ वी विल डिस्कस। सबसे फर्स्ट है ये रोज़, ठीक है, गुलाब के पौधे की पत्ती है तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, रोज़। सेकंड, मेपल, एक मेपल पेड़ होता है, छायादार वृक्ष होता है जिसको चिनार कहते हैं, चिनार का पेड़, तो ये मेपल ट्री की लीव्स हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, MAPLE, मेपल। ये मनी प्लांट, ठीक है, जो मनी प्लांट होता है उसकी पत्तियाँ हैं तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, मनी प्लांट। फोर्थ नंबर पर है बनाना, केले की पत्तियां हैं ये, तो कौन सा ट्री है, यहाँ पर हम लिखेंगे बनाना। नेक्स्ट है ये पपाया, ठीक है, पपीते के पेड़ की पत्तियां हैं तो हम यहाँ लिखेंगे पपाया ट्री, पपाया ट्री है ये। नेक्स्ट है ऑलिव, ऑलिव पेड़ की पत्तियां हैं तो यहाँ क्या लिखेंगे आप, ऑलिव, मतलब जो जैतून होता है, जैतून का पेड़ होता है उसको ऑलिव ऑलिव कहते हैं। तुलसी, तुलसी के पौधे की पत्तियाँ हैं तो आप यहाँ क्या लिखेंगे, तुलसी। ये पत्तियाँ नीम के पेड़ की है तो कौन सा पेड़ होगा, नीम, नीम ट्री है ये, यहाँ पर नीम लिखेंगे हम। नेक्स्ट है पीपल, पीपल के पेड़ की पत्ती है ये तो यहाँ पर हम लिखेंगे पीपल। ये आम के पेड़ की पत्तियाँ हैं तो आम को हम मैंगो कहते हैं तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, मैंगो। यहाँ पर सारे नेम्स यहाँ पर ट्रीज़ के दिए हुए हैं, यहाँ पत्तियों को पहचान कर हमको लिखना थे, जो मैंने यहाँ पर आपको लिख दिए हैं। आप भी अपनी बुक में इस तरह से अपना वर्क कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। आपको क्या करना है, ये जो ट्रीज़ के नेम है वो लर्न करना है और ये पत्तियों को आपको प्रैक्टिकल में देखना है, ठीक है। जो जो भी पेड़ आपके घर के आसपास है आप उनकी पत्तियों को देखेंगे और फिर इस पिक्चर में देखेंगे कि क्या ये पत्तियाँ वैसी ही दिखाई दे रही हैं। ओके, तो ये वर्क, ये आपका होमवर्क है कि आपको ट्रीज़ नेम, ये जो ट्रीज़ नेम दिए हैं ये लर्न करना है और इनकी पत्तियों को आपको पहचानना आना चाहिए। थैंक यू।